हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, आज है 73वां गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले आप सब लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आई होप आप सब ने सेलिब्रेट किया होगा अपना ये 73वां गणतंत्र दिवस। और हमने भी किया, वहाँ थोड़ा गाने होने ज़्यादा बज रहे थे इसलिए हम छूट नहीं कर पाए कॉपीराइट की वजह से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको बताइए, आजकल की सिचुएशन थोड़ा बहुत ख़राब हो रही है। कोरोना एक बार फिर से अपना पांव पसार रहा है, और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम भी अपना ख्याल अच्छे से रख, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और कम से कम बाहर निकलें। जब भी ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी जाएं। तो आज हमारी भी छुट्टी है ऑफिस की, तो थोड़ा हमने कहा शाम के टाइम घूमने चलें और गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पे देखें कि हमारे गली मोहल्ले में लोग क्या कर रहे हैं। वही सब आपको दिखा सकता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि आजकल आउटर ब्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल है। बहुत जगह तो परमिशन नहीं मिल रही आने जाने की, और जहाँ भी हम जा रहे हैं कुछ ऐसा हम काम नहीं कर रहे हैं कि जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। थोड़ा बहुत सारी चीज़ें पर्सनल हो जाती है, क्योंकि हम चाह कर भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आई होप आप सब लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं। दोस्तों, काफ़ी भीड़ भाड़ है, गोली है। आज सबकी छुट्टी है, तो लोग सब बाहर निकल चुके हैं अपने घरों से। रिपब्लिक डे की शूटिंग पे शॉपिंग, ये एक दिन होता है कामकाजी लोगों के लिए छुट्टी का, और अक्सर ये इंडिया है, यहाँ हर उत्सव को लोग ज़्यादातर एक छुट्टी के तौर पे लेते हैं। और अपने जितने भी काम होते हैं सब छुट्टी के दिन ही निपटाते हैं। तो आप देख सकते हो गली मोहल्लों में काफ़ी भीड़ है, खचाखच भरी हुई हैं गलियाँ। अक्सर होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। लोग बहुत इजीली ले रहे हैं इन बातों को, बट जो है काफ़ी डेंजर हो सकता है। आपने कैसे सेलिब्रेट किया अपने इस राष्ट्रीय पर्व को? एक तरह से हमारे लिए एक पर्व ही है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस समय आज देख सकते हो हर जगह जो है राष्ट्रीय गान बज रहे हैं, लोग काफ़ी शिद्दत से इनको सुनते हैं, लेकिन इनको अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी लागू करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये अमल भी करना चाहिए। और जितना हो सके अपने देश का सम्मान करें। जिन भी शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई है किसी भी तरह से, उन सब का सम्मान करें और उनके बलिदान को आज के दिन याद करें कम से कम, और दिल से सम्मान करें उनको, न सिर्फ कि नाम के लिए। दोस्तों,
ये है चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, आप देख सकते हो उधर नेट भी लगा है, उधर के वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं आज, और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा झूला कौन खेल रहा है भाई, झूला कौन खेल रहा है? आज 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 कौन सा दिन है? इधर आओ, खड़े हो जाओ यहाँ पे, खड़े हो जाओ यहाँ पे। क्या है आज, आज के दिन क्या हुआ था, क्या हुआ था बताओ? हाँ देश आजाद नहीं हुआ था, देश तो आजाद 15 अगस्त को हुआ था। आज के दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, लागू हुआ था। ठीक है, संविधान क्या होता है, कितने में पढ़ाई करते हो तुम लोग, कितने में पढ़ते हो तुम? मैं 4 में। हाँ ये किसी को पता नहीं आज के दिन क्या हुआ था। अच्छा अभी लॉकडाउन में हो तुम? ठीक है, ये वीडियो वीडियो आएगी तुम्हारी। तो यहाँ पे 2-3 बच्चे थे, मैंने उनको पूछा और अपने नॉलेज के हिसाब से, उनको अच्छी जानकारी है, उनको इतना तो पता है कि आज के दिन कुछ ना कुछ है, और इतना बहुत होता है, मासूम बच्चे हैं, इतना पता सच में नहीं होता है। अभी हमको ही खुद कंफ्यूज हो रहा है, संविधान बन के तैयार हुआ था कि लागू हुआ था, तो आप समझ सकते हो, जबकि पढ़ा तो हमने भी है, बट कंफ्यूजन हो जाती है समय के साथ साथ। और ये देखिए कुछ इस प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे, और काफ़ी मान्यता है इन मूर्तियों की, काफ़ी मानते हैं लोग, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जैसे कि देखो पत्थरवारी लिखा है इस पे, और यहाँ तो पत्थरों की भी पूजा होती है, आप समझ सकते हो इंडिया है, काफ़ी धार्मिक लोग रहते हैं भारत में। तो हमने भी सोचा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक नए मंदिर, क्या नए मंदिर की दर्शन किया जाए, और जय हो माता। परसों का जो मंदिर था वो दूसरा था, और ये आज का दूसरा मंदिर है। देखो ये देवी माँ का मंदिर, देवियों के भी काफी रूप है, बहुत सारे रूपों में पूजा जाता है, देवी माँ को याद किया जाता है, जैसे नवरात्रि 9 अवतार है शायद देवी माँ के, नवरात्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आजकल हमारी दिनचर्या चल रही है, होली डोज जो है बिस्तर के अंदर ही पूरा समय बिता रहे हैं। ये है बांसगांव का आउटर इलाका, यहाँ पे आवासीय और इंडस्ट्रियल दोनों प्रकार के लैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और हर तरफ जाने के लिए रोड उपलब्ध है यहाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और जो मेन रोड है, गली में थोड़ा रोडों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है अभी, लेकिन अक्सर ज़्यादातर रोड जो है बहुत अच्छे हैं, आसपास के एरिया में आप देख सकते हो। तो कुछ ज़्यादा हम आजकल कर नहीं रहे हैं, बस यही हम हमारी दिनचर्या चल रही है आज के टाइम में। एक बार फिर से आप सब लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और जहाँ भी रहो आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में थोड़ा बहुत झलकियाँ बस यही था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।